Praise the Lord. Praise the Lord. English section se geet gaayenge, geet ka number 271. In moments like this, I sing a new song. Amen. Hallelujah. In moments like this, I'll sing a new song, and I'll sing a love song to Jesus. In moments like this, I'll sing a new song, and I'll sing a love song to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. I love you, my Lord. Singing praise you, my Lord. Singing praise you, my Lord. Singing praise you, Lord. I pray. Singing, thank you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. I thank you, my Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. I love singing praise you, my Lord. Singing praise you, my Lord. Singing praise you, my Lord. I praise you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. I thank you, my Lord. I thank you, my Lord. Hallelujah, hallelujah. Singing, I love you, Lord. Singing, I praise you, Lord. Singing, I thank you, Lord. In moments like this, I'll sing a new song. बहुत ही सुनहरे पल प्रभु ने हमें दिए हैं. प्रभु के नाम की तारीफ हो. और इससे पहले कि हम आगे के कार्यक्रम में चलें, आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव. इससे पहले कि मैं अपने अजीज पास्टर भाई को सामने बुलाऊं, आमेन.
Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं. आज शाम जब दो जवान भाई मुकुल और बहन स्तुति खुदावन चाहते हैं कि उस एंगेजमेंट की सेरेमनी को अपने जीवन में पूरा करें, ताकि आगे वाले आने वाले दिनों में इनकी शादी होने पाए, खुदावन दुआ है कि इस सारे कार्यक्रम को आप अपने हाथ में लें, हर दुष्ट की चाल यहाँ से विफल करें. और आइए हमारे बीच में आप हमसे बातचीत करें और इस होने वाले जोड़े को आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन. आइए जब लोग खड़े हैं हम बाइबलें खोलेंगे. व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय. किसी के पास हिंदी की बाइबल है तो मैं चाहूंगा कि मेरी मदद करें. और उसकी 23वीं आयत, 23वीं और 24वीं आयत पढ़ दें. यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना. उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है. इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना. आमीन. धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए. आइए हमसे बात करें प्रभु से पहले कि हम इस सेरेमनी को यहाँ अंजाम दें. प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन. आप लोग सब बैठ सकते हैं. प्रभु का नाम मुबारक हो. आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने बख्शा, जब हमारे बीच में दो जवान भाई मुकुल और बहन स्तुति हैं, ताकि इस भाई और बहन की एंगेजमेंट होने पाए. इससे पहले कि हम एंगेजमेंट में आगे बढ़ें, मैं दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा, खासतौर से भाई मुकुल और बहन स्तुति के लिए, जो समझने का विषय है. क्यों मैंने आयत उठाई पढ़ने के लिए, उसका एक कारण ये है कि बिट्रोथल इंग्लिश का शब्द है जिसके लिए ही पर्यायवाची शब्द एंगेजमेंट है, जिसके लिए हम हिंदी में मंगनी बोलते हैं. तो यहाँ लिखा है कि जब कोई पुरुष किसी ऐसी स्त्री से
कुकर्म करे जिसकी बात लगी है तो दोनों मारे जाएं। लेकिन साथ में यह भी लिखा है और मारने का कारण भी लिखा हुआ है, स्त्री के लिए कि वो चिल्लाई नहीं और पुरुष के लिए कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री को का शील भंग किया। अब यहां से समझने की कोशिश करें, इस आयत से एक बात स्पष्ट यह होती है कि खुदावंद की डिक्शनरी में जब एंगेजमेंट हो गई वो शादी बराबर है। अभी शादी नहीं हुई लेकिन जब एंगेजमेंट हो जाती है, यानी अब ये एक खुदावंद की डिक्शनरी में शादी ही है। आपकी समझ में आ रही है? हाँ, जैसे पुरुष और स्त्री एक पारिवारिक जीवन को बिताते हैं वो काम अभी शुरू नहीं होगा, वो तो शादी की सेरेमनी के बाद ही होगा। लेकिन एंगेजमेंट एक बार हो जाए तो उसके बाद ये टूट नहीं सकती। जैसे शादी नहीं टूट सकती, कारण है शादी के टूटने के वो ये हैं कि व्यभिचार हो और ऐसे कारण हो, उसके अलावा कोई और तीसरा चौथा कारण है नहीं। ऐसे ही एंगेजमेंट टूट नहीं सकती एक बार एंगेजमेंट हो जाए। मैं सोचता हूं कि भाई मुकुल ने और बहन स्तुति ने एक दूसरे से जब बातचीत करी होगी और दोनों परिवारों के बीच में, भाई मुकुल का तो खैर सारा परिवार जो है वो तो खैर अविश्वासी ही है, और लेकिन भाई ने संदेश को माना है, कबूल किया है, भाई निकल के आए हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि भाई मुकुल ने और बहन स्तुति और उनका परिवार तो खैर है, भाई डंबर बहादुर और बहन बसंती, आप लोगों ने सारी बातें डिस्कस कर ली होंगी और सोच ली होंगी इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए। आमीन, गॉड ब्लेस यू। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा लेकिन मैं कुछ बस दो तीन बातें रख के फिर मैं चाहूँगा कि हम एंगेजमेंट की सेरेमनी को पूरा करें। नबी ने समझाया एक सही किस्म की जो शादी है उसमें एंगेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। स्टेप्स हैं शादी के, एक प्रोसेस है। सबसे पहले फैसला होता है और वह जो मैं विश्वास करता हूँ कि भाई मुकुल और बहन स्तुति ने फैसला कर लिया है। फैसले के बाद जो अगली स्टेज है वो एंगेजमेंट है, फिर एंगेजमेंट के बाद अगली स्टेज शादी है। नबी ने बोला जैसा मसीह के साथ भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है वो तो समझो शादी हो गई, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से पहले जब एक विश्वासी बन रहा है कोई नया, यानी मसीह के पास आया, तो वो कुछ अहद पैमान खुदा के साथ करते हैं, मसीह के साथ करते हैं कि यदि आप मुझे अपना बनाते हैं तो मैं रोज़ दुआ करूँगा, रोज़ मैं आपके करीब आऊँगा, मैं बाइबल पढ़ूँगा, मैं समय समय उपवास रखूँगा, मैं आपकी मौजूदगी में चलूँगा, ये मेरे वायदे हैं आपके साथ, अगर आप मेरे साथ चलते हैं मैं अपना पूरा जीवन आपको दे दूँगा। आपकी समझ में आ रही है? ये एक भाई के लिए एक बहन दोनों के लिए ये बातें आयद हैं। ये मानिए समझे कि एंगेजमेंट हुई तब खुदावन उस विश्वास को कबूल करते हैं, जब खुदावन उस विश्वास को कबूल करते हैं तब अपना पवित्र आत्मा बख्शते हैं। समझिए कि अब ये आत्मिक रूप से एक प्रॉपर शादी हो गई। समझ में आ रही है आपके? मैं आत्मिक रूप से बोल रहा हूं, उसी का एक छोटा रूप शारीरिक भी है जो शादियों में है, जो मैं यहां पर अहद पैमान कराऊंगा कि यदि आप मुझसे शादी करोगी, यदि आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं ये वायदा करता हूँ, ये मैं वायदा करती हूँ जो आपसे अभी हम बुलवाएंगे। खुदा उनका धन्यवाद हो। बहुत लंबा समय नहीं लेकिन भाई मुकुल को मैं जानता हूँ, बहन स्तुति को भी, और भाई डंबर बहादुर और बहन बसंती के परिवार को, गॉड ब्लेस देम। रेगुलरली आते रहे हैं चर्च और चलते रहे हैं। गुजरे दिनों में भाई मुकुल से मेरी बातचीत हुई और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि ये भाई भी निकल के आया और इसने प्रभु को कबूल किया, इन्होंने बपतिस्मा भी लिया और प्रभु के साथ चलते हैं। सो खुदावन भाई को बड़ी बरकत और आशीष दें और मेरी दुआ है कि आगे भी इनका विवाहित जीवन प्रभु की ओर से संपन्न हो और ये सही रीति से आगे बढ़ सकें। लेकिन एक बात पक्की है, जो फैसला अब हो चुका आज वो फाइनल है और खुदावन के यहाँ भी समझिए वो दर्ज हो जाएगा। सो खुदावन के नाम की तारीफ हो। हम लोग जब तारीखें नियुक्त करते हैं तो तारीखें फिर अब चेंज नहीं होती। जरा समझने की कोशिश करें कि आपने एक डेट निश्चित कर ली फिर चर्च में आके कहा भैया आज वो हो नहीं पाएगा, ये नहीं हो सकता। आपकी समझ मारी है?
क्योंकि खुदावन की कलीसिया मजाक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां बाइबल में लिखा है तुम्हारे हाँ की हाँ और ना की ना हो, लिखा है बाइबल में। तो जब हम कोई बात कहते हैं तो वो बात फिर मान्य है। ऐसी जब वायदा करते हैं, जब खुदावन ने कोई वायदा किया, जैसे बाइबल में लिखा है खुदा इंसान नहीं जो अपना मन बदले। खुदावन ने कभी अपना मन नहीं बदला। और यदि खुदावन का नेचर उसके बच्चों में है तो वो उसके बच्चे भी फिर बार बार मन नहीं बदलते चीजों को लेके, और वो फिर एक ही मन के साथ फिर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी समझ आ रही है? सो गॉड रियली ब्लेस यू। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा भाई मुकुल सामने आ जाएं और बहन स्तुति भी सामने आए, भाई इधर खड़े हों, बहन इधर खड़े हों, आप इधर ऊपर आ जाइए मंच पे, आप उधर, आप थोड़ा उधर आइए। हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवादित हैं खुदावन कि आपने आज शाम तौफीक दी कि ब्रदर मुकुल और बहन स्तुति इस समारोह में शामिल हों जिसमें इनकी एंगेजमेंट होने पाए। दुआ है खुदावन आप ही हमारे बीच में आएं और इसको हमारे बीच में संपन्न करें। सारे आदर और महिमा के योग्य आप ही हैं। ये दोनों परिवार जब आप जुड़ने जाते हैं, खुदावन इस जोड़ को आप बनाएं, इन्हें फलवंत आप करें और खुदावन बुद्धि और ज्ञान से भरें कि सही रीति से खुदावन ये लोग आपके साथ आगे बढ़ने पाएं। सारे आदर महिमा के योग्य आप ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं चाहूंगा कि मैं हम और आप इस समारोह में अब आगे बढ़ें ताकि खुदावन रहम करें ये काम करता है। फाइन। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई मुकुल और बहन स्तुति एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी चार एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारे संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं। मैं क्यों सोचता हूं इन बातों को? कई लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं। ये लाइन क्यों जोड़ी गई मेरे को इसका इतिहास मालूम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस इतिहास को जरा ध्यान से सुने और आप सब समझें। गॉड ब्लेस यू। कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती, इसलिए मैं भाई मुकुल और बहन स्तुति से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। मैं चाहूंगा कि भाई टाइटस हमारे बीच में प्राचीन हैं, एक दुआ मांगें ताकि दोनों जवानों को बुद्धि मिले कि वो इस एंगेजमेंट में आगे बढ़ने पाए। ब्रदर टाइटस। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए जो आपने भाई मुकुल बहन स्तुति के जीवन में आने दिया प्रभु जी। जब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन में प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हैं प्रभु जी, जब यहाँ पर प्रभु जी ये आपके हुजूर में दोनों खड़े हुए हैं प्रभु जी, जब ये वायदे करते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, आप इन्हें सुबुद्धि दे, वो जब आप मैसेज की समझ दीजिए, वचन की समझ दीजिए प्रभु जी, जो इन्होंने आज वायदे करे हैं प्रभु जी उनके अनुसार ये दोनों अपने जीवन को चलाने वाले बने जब तक ये आगे ब्याह के बंधन में नहीं बन जाते। अपने को पवित्र रखें, दुनिया की बातों से अलग रखें प्रभु जी, और आपके वचन में आगे बढ़कर एक दिन ब्याह के बंधन में बन सकें प्रभु जी। इस एंगेजमेंट की सारे आगे की कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद सर प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई मुकुल, क्या बहन स्तुति से विवाह करने का मन बना चुके हैं? हाँ जी।
जी मैं बना चुका हूं, जी मैं बना चुका हूं। गॉड ब्लेस यू। बहन स्तुति, क्या भाई मुकुल से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी हाँ, मैं बना चुकी हूँ। गॉड ब्लेस यू। ये माइक ले लें, दोनों करीब आए, अपना सीधा हाथ उनका सीधा हाथ पकड़ लें, सीधा हाथ, यस, और लेफ्ट हैंड से माइक ले लीजिए। मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा प्लीज। मैं मुकुल तुझ अपनी निकट कुटुंबनी प्लीज माइक मुंह पे लगाएं, कुटुंबनी बहन स्तुति को आज दिनांक 15 मार्च प्रभु के वर्ष सन 2022 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ कि यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूँगा तेरी देखभाल करूँगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा ये जानते हुए ये एक पाक रिश्ता है मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझ ही से विवाह करूंगा वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा यहोवा येरेन यहोवा राफा यहोवा निसी यहोवा शालोम यहोवा रा यहोवा सितकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले आमीन। गॉड ब्लेस यू। बहन, क्या आप इन वायदों को स्वीकार करती हैं? जी हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। पकड़े रहे हाथ, अब आप बोले मेरे पीछे, जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है जो आदि और अंत है जिसके पास सातों आत्माएं हैं और जिसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्तुति आप मुकुल को आज दिनांक 15 मार्च प्रभु के वर्ष सन 2022 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ आप मेरे निकट कुटुंबी हैं मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं मैं वायदा करती हूँ
यदि आप मुझसे शादी करेंगे, यदि आप मुझसे शादी करेंगे, मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी, आपकी बन के रहूंगी, और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी आपकी देखभाल करूंगी वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ जब तक हमारा विवाह संपन्न हो वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी यहोवा इरे यहोवा राफा यहोवा निस्सी यहोवा शालोम यहोवा राह यहोवा सिद्केनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले आमीन गॉड ब्लेस यू भाई मुकुल क्या आप इन वायदों को कबूल करते हैं जी हाँ मैं कबूल करता हूँ गॉड ब्लेस यू अंगूठियाँ आइए एक दुआ करेंगे अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह जिसके पास सातों आत्माएं हैं जिसने सातों कलीसियाओं में से अपनी दुल्हन निकाली और आज भी आपकी आवाज सात गर्जनों के रूप में आपकी दुल्हन के समक्ष है आप जिंदा खुदावन हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कि खुदावन इन सातों रिडेम्पटिव नेम्स में हम पर प्रकट हुए मैं आता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आज के इन लहमों के लिए जब भाई मुकुल और बहन स्तुति एक एंगेजमेंट के बंधन में बनते हैं कोई भी वाचा बगैर चिन्ह के पूरा नहीं और आज खुदा उन चिन्ह के रूप में ये अंगूठियां हमारे बीच में हैं दुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ये अंगूठियां आपकी ओर से आशीषित हों विनती और प्रार्थना जब भाई बहन एक दूसरे को पहनाए तो खुदावन ये वाचा स्वर्ग में भी कबूल हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर उल्टा हाथ रिंग फिंगर और वहीं पकड़े रहें और मेरे साथ बोलें ये अंगूठी मेरे किए गए वादों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा आमीन गॉड ब्लेस यू ये आप लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर में पहना है माइक दे दे भाई लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर एग्जैक्टली पकड़ के रहिए वहां पकड़ के रहिए और मेरे साथ बोलिए ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी आमीन गॉड ब्लेस यू आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं भाई मुकुल और बहन स्तुति ने एक दूसरे को अंगूठी आपके भवन में आपके समक्ष आपके लोगों के बीच में पहनाई है इस चिन्हानी के रूप में कि आज से ये एंगेज्ड हैं और आपके ही निजाम में खुदावन ये दर्ज हो गया आज कि ये दोनों एक विवाह के बंधन में बंधने के लिए अब तैयार हो रहे हैं और ये एंगेजमेंट आज संपन्न हुई खुदावन आपके वचन में लिखा जो करो मेरे नाम से करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो तो आज आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह नाम में ये इनका अंगूठी एक दूसरे को पहनाना आपके हुजूर कबूल हो और ये एंगेजमेंट आप ही संपन्न करें
आपका नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई मुकुल और बहन स्तुति आज से एंगेज्ड हैं, ये शादी नहीं है लेकिन ये एंगेजमेंट जरूर हुई है आज, और आने वाले दिनों में जब खुदावन मौका लाएंगे तो एक दिन वो भी आएगा जब इनकी शादी हो, ताकि एक पारिवारिक रूप में चल सकें। आइए हम एक बड़ा हाथ देते हैं, हालेलुया। सो खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, गॉड रियली ब्लेस यू। क्या आप लोग कुछ एक्सचेंज करना चाहेंगे? धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फैसला किया, भाई मुकुल और बहन स्तुति ने, कि ये आज एंगेजमेंट के दिन एक दूसरे को बाइबलें दें। क्या ही प्रेजेंट है खुदावन, आज ये आपके समक्ष कबूल हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप इनको दें, आप इनको दें, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का नाम मुबारक हो। आप जाके अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। सो आज ये एंगेजमेंट संपन्न हुई, प्रभु का नाम मुबारक हो, और मैं कहूंगा कि इन चीजों का ध्यान रखें, एंगेजमेंट एंगेजमेंट है, अभी शादी नहीं हुई। एंगेजमेंट के बाद जैसे मरियम ने और यूसुफ ने अपने आप को पवित्र रखा, आप भी अपने आप को पवित्र रखें। पवित्र रखने का मतलब यह है बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं, अभी बातचीत आप लोगों की नहीं होना चाहिए। आप अपने घर, आप अपने घर, जो आपने बात करनी है आप बहन बसंती या भाई डंबर बहादुर से करें, भाई मुकुल से मैं कह रहा हूँ, और बहन स्तुति को जो बात कहनी है वो थ्रू बहन बसंती बातें पहुँचाएँ। मेरा मतलब यह है कि शादी तक अपने आप को पवित्र रखें। जो आज ट्रेंड चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं कि कोई बात नहीं शादी तो होगी, चलो साथ साथ चलते हैं, आज डेटिंग कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये काम मत करें। और आप नोटिस करेंगे कि जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे आप ब्लेस होंगे। समझ मारी है? देखो यार, शादी तो हो ही गई एक तरीके से, चलो कोई नहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाते हैं, ये सब काम मत करिएगा, अभी मत करिएगा। अपने आप को पवित्र करिए, खुदावन से ज़्यादा जुड़ो इन दिनों में, दुआ करो, अपने भविष्य के लिए दुआ करो, खुदावन से मांगो। जो चीज़ें जैसे हमने बोला पढ़ाई गई, बाइबल को खूब पढ़ो, बाइबल का उच्चारण सीखो, बाइबल कैसे बोली जाती है ये बोलना आना चाहिए, आमीन। सो ये तमाम बातें बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों में ध्यान रखें, उस दुनिया की चाल में ना चलें। और आप नोटिस करेंगे जैसे मरियम और यूसुफ की यहाँ खुदा ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट उतारा, आपके घर में भी खुदावन कोई गिफ्ट उतारेंगे, और सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होगा कि आप और आप दोनों ही जिंदा रैप्चर में चले जाएं, सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होगा। सो गॉड रियली ब्लेस यू, मैं सभा से भी कहता हूं आमीन, गॉड ब्लेस यू। यहीं पर एंगेजमेंट की सभा समाप्त होती है, गॉड ब्लेस यू, सर्विस इज डिसमिस्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।